Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 29 January 2019, Tuesday, week का second trading session है और अभी फिलहाल 8:09 हो रहे हैं. तो क्या हो सकती है आज Nifty में intraday levels? कल हमने देखा, कल भी जो Friday को fall आया था वो continue रहा. एक hanging man candlestick pattern हमने देखा था daily chart में Nifty के, और वहाँ से ये डाउन फॉल का सिग्नल हमें मिला था और उसके बाद ये कंटिन्यूस दो तीन दिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउन फॉल दिखाई दे रहा है. अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकती है, कहाँ पर निफ्टी इंडेक्स रुकने की उम्मीद की जा सकती है, इसका एनालिसिस करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस स्ट्रेटेजी का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे और उसके बाद निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. ठीक है, तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 28 जनवरी 2019 आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. कल के स्ट्रेटेजी, कल के प्लान के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल था हमारा 10,800. अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो, और अगर साउथ की तरफ बढ़ता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 10,756. तो आप जैसे कि देख रहे हैं फर्स्ट 10 मिनट यहाँ पर एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद वाला जो दूसरा 10 मिनट का कैंडलस्टिक था, ये जो ब्रेक डाउन लेवल था ये ब्रेक हुआ, और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये दोनों भी अचीव्ड हुए, 10,714 ये भी अचीव्ड हुए. तो कल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेंड का ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस, कल के स्ट्रेटेजी का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में भी प्रेशर दिखाई दिया. डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और नासडैक में 79 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली. यूरोपियन बाजार भी लाल निशान में बंद हुए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, निक्केई जापानीज मार्केट 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी प्रेशर दिखाई दे रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 105 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर, और एसजीएक्स निफ्टी भी अभी हल्की सी कमजोरी के साथ लाल निशान में ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव सेंटीमेंट्स अभी फिलहाल आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी में चार्ट देखते हैं, क्या सपोर्ट लेवल्स हो सकती है ये एनालिसिस करेंगे. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. वीकली चार्ट में जैसे कि हम कई पास्ट वीडियो से दिखाते आ रहे हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का ये जो 50% का लेवल है 10,882, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है. ये लास्ट वीक हमने यहाँ पर क्लोज देखा, तो शायद यहाँ से ऊपर की तरफ हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए था, लेकिन फिर से एक बार 10,882 के नीचे क्लोज हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है. तो अभी फिलहाल 10,675 और ये जो 50 EMA का ये ब्लू लाइन है, इसके आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है. अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से हमें 10,400 और उसके बाद ये जो 100 EMA का लाइन है एज पर वीकली चार्ट, जो कि 10,250 के पास है अभी, ये देखिए 10,250. अगर ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं एज पर वीकली लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर 670 तो नीचे की तरफ हमें 10,400 और उसके बाद 10,250 के लेवल सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं. ठीक है, यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो. डेली चार्ट में चलते हैं. डेली चार्ट में जैसे कि हमने ये जब लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया था और यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन निकाला था इनके बॉटम्स को कनेक्ट करके, तो ये जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होके कन्फर्मेशन नहीं दे पा रहा, और यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करने लग गया. अभी क्या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है ये देखते हैं. यहाँ पर ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर ये निकाला है, तो इसके मुताबिक आप देख सकते हैं 10,675 के पास पास्ट में यहाँ पर एक बार, यहाँ पर ये दो बार, ये ऑलमोस्ट तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है. तो हो सकता है इस बार भी ये टेस्ट करे, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता. ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक बार टेस्ट किया जा सकता है सपोर्ट. अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फिर से एक बार 10,400 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं. उससे पहले ये अगर ब्रेक होता है ये लेवल, तो यहाँ पर एक लास्ट सपोर्ट बन रहा है 10,520 के पास. ठीक है,
ये भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें 10,400 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में हमने हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखा था, ठीक है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिला और टूवर्ड साउथ की तरफ ये मुंह दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल कंटिन्यूस 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, कंटिन्यूस ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो रहा है। थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके लिए सिग्नल के साथ कंफर्मेशन हमें मिलना बहुत जरूरी है। सपोर्टिव इंडिकेटर्स मैगडी, आरएसआई दोनों भी अभी निगेटिव है। आरएसआई 50 ये जो मिड लाइन है इसके नीचे ट्रेंड करने लगा है, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट का सीनारियो। क्विकली चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का लो अगर ब्रेक करता है, कल का लो, तो ये हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है कल का लो अगर ब्रेक करता है तो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट में भी यहाँ से ही बाउंस बैक हुआ था, एज पर आर्ली चार्ट हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली टूवर्ड साउथ की तरफ तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय का शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 10,605। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,593, ठीक है। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो पीवट पॉइंट का ये जो लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट एक स्विंग लो बनाया था, तो जो यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है ये हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करे, ठीक है। तो ये लेवल कंफर्टेबली इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए, 10,699 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,724, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट 10,767, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।